मजा बांटना है। पिछले शनिवार को रात को लगभग 11 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ पर रात में ही पानी आता है, जैसे हमने अपनी पानी की मोटर चलाई हम एकदम से स्तब्ध रह गए कि एकदम डार्क ब्लू पानी हमारे टूटी से आ रहा था और जिसमें झाग भी बन रहे थे, मतलब एक प्योर केमिकल था। वो देख के हम घबरा गए, मैं कहा ये क्या हो रहा है। उस समय तो हमने मोटर बंद कर दी, सुबह 4 बजे के आसपास फिर दोबारा चलाई तो फिर ऐसे नीला पानी आ रहा था। इस पानी का कारण था, मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग है जिसमें डाइंग की एक यूनिट चलती थी, वो कपड़े डाई करता था, वो गंदा पानी सीवर में छोड़ रहा था और यहाँ की सीवरेज लाइनें डैमेज हैं, वो पानी कहीं पीने वाली लाइनों में छोड़ के आ रहा था, इस कारण से ये हुआ था। यहाँ पे ये नीला पानी तो करीब 10-12 घरों में आया था, लेकिन हमारे गांव में गंदा पानी आने की समस्या लगभग पिछले 6 महीने से है। उसका कारण था कि बाहर रिंग रोड के ऊपर दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो के विस्तार का, तो वहां पे जो कंपनी काम कर रही है HIGL, उसने हमारे यहाँ की सीवर लाइनें डैमेज कर रखी हैं, हमारी वाटर लाइनें डैमेज कर रखी हैं, कई बार हमारी बिजली की हाई टेंशन केबल को भी उन्होंने डैमेज किया है। दिल्ली जल बोर्ड बोलता है कि वहां से लाइन डैमेज, इस वजह से गंदा पानी आ रहा था, तो हम उनके साथ सब कोऑपरेट करके चल रहे थे। देखिए मैंने इस गंभीर मुद्दा है, ये स्थानीय है और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया था और इसमें यहाँ के स्थानीय RWAs और वेलफेयर एसोसिएशन के लोग और यहाँ के स्थानीय भैरव एन्क्लेव से जो और सुंदर विहार से आसपास के लोग काफी उसमें धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, दुखी होकर के। पहली बार नहीं तो पोश एरिया के लोग यही है कि सिर्फ अपने घर से फोन तो कर लेते हैं लेकिन रोड पे कभी भी नहीं आते हैं। उन्होंने परेशान होकर के उन्होंने रोड पे आकर के चक्का भी जाम किया और घंटों तक लोग भी परेशान रहे चक्का जाम होने की वजह से, ट्रैफिक बाधित रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई बार इससे पहले भी विधायक जी को कई बार कहा कि आप प्लीज इस समस्या को देखिए, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली है। और जल मंत्री जो हैं आतिशी जी से भी कई बार कहा गया कि हमारे घरों के आगे पानी आ रहा है इस तरह का सीवर का, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और देखिए अब तो जैसे MCD में भी इन्हीं की दिल्ली सरकार केंद्र शासित सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये हालात हैं कि जो हमने DMRC के अधिकारियों से बात करी, उनसे पता लगा कि जो पाइपलाइन जो टूटने की समस्या है उसके तो हमने कुछ पैसे दे दिए हैं, लेकिन सीवर के लिए हमें कुछ पता नहीं लगा है प्रॉपर क्या व्यवस्था हुई है और क्या नहीं है। लेकिन वहां पर सिर्फ हमारे विधायक जी एक फोटो तो डाल रहे हैं लेकिन राहत की बात नहीं कह रहे हैं। दो दो दिन करके करीब 3-4 महीने हो गए हैं कि 2-3 दिन में राहत मिल जाएगी, लेकिन पब्लिक तो अब सेटिस्फाई नहीं है कि कब हम इससे निजात मिलेगी। हमें बहुत नरकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं, खुद मैं निगम पार्षद होकर के कई बार मुझे दस्त लग चुके हैं और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं मेरे बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं।